नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर, आज की क्लास हमारी बीए तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। बीए तृतीय वर्ष के छात्रों के तहत बात की जाए तो हम विश्व इतिहास को पढ़ रहे हैं, जिसके तहत हम जर्मनी के एकीकरण को पढ़ रहे हैं। और जर्मनी के एकीकरण की हमने बात की थी, बिस्मार्क के नेतृत्व में जो जर्मनी का एकीकरण होता है, और जर्मनी के एकीकरण जो तीन चरणों में पूरा होता है, मूलतः जो तीन स्टेप्स इसकी रहती है, तीन युद्धों के पश्चात ये पूर्ण होता है, जिसके तहत प्रथम तो डेनमार्क का युद्ध होता है, जिसका हमने पिछली क्लास में जिक्र कर लिया। और डेनमार्क के युद्ध के पश्चात हमने देखा कि दूसरा युद्ध कौन सा होता है, आस्टिया से युद्ध होता है, जिसे 7 सप्ताह का युद्ध भी कहा जाता है, सेडोवा का युद्ध भी कहा जाता है। और उसके पश्चात तीसरा और अंतिम युद्ध कौन सा होता है, जो फ्रांस से होता है, वो कौन सा होता है, सेडोन का युद्ध होता है, जिसके तहत हम आज जो द्वितीय युद्ध के बारे में बात करें, द्वितीय चरण के बारे में बात करेंगे, जिसके पश्चात क्या होता है, जो जर्मनी का एकीकरण होता है। तो मूलतः बात की जाए, हम आज पढ़ने वाले हैं जो ऑस्ट्रिया से युद्ध, प्रशा का जो ऑस्ट्रिया से युद्ध होता है, इसे क्या 7 सप्ताह का युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि ये इनके मध्य चलने वाला युद्ध जो 7 सप्ताह तक चलता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, 7 सप्ताह का युद्ध भी कहा जाता है। और ये सेडोवा युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, सेडोवा नामक स्थान पे जो अंतिम और निर्णायक लड़ाई होती है, जिसमें प्रशा की विजय होती है और ऑस्ट्रिया पराजित हो जाता है, इसलिए इसे सेडोवा का युद्ध भी कहा जाता है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि डेनमार्क को जो ऑस्ट्रिया और प्रशा की संयुक्त सेना के द्वारा पराजित कर दिया जाता है, डेनमार्क को पराजित करने के पश्चात स्लेस्विग होलस्टीन लॉयनबर्ग और कील के क्षेत्र पर अधिकार इनके द्वारा कर लिया जाता है। अब इस क्षेत्र पर अधिकार करने के पश्चात आगे चलकर हमने देखा, कुछ दिनों के पश्चात, कुछ समय के पश्चात, उन क्षेत्रों पर अधिकार को लेकर इनके मध्य विवाद उत्पन्न हो जाता है, प्रशा और ऑस्ट्रिया के मध्य, और यही जो आगे जाकर इनके बीच में युद्ध का कारण बनता है। कि जैसा कि हमने देखा, उनके बीच एक समझौता होता है वीना समझौते के तहत, जो क्षेत्रों का विभाजन किया जाता है, लेकिन आगे जाकर इनके मध्य क्या हो जाता है, विवाद पैदा हो जाता है। हमने देखा कि किस तरीके से लॉयनबर्ग को तो प्रशा के द्वारा खरीद लिया जाता है ऑस्ट्रिया से, उसके अलावा स्लेस्विक पे प्रशा का अधिकार माना जाता है, होलस्टीन पे किसका अधिकार मान लिया जाता है, जो ऑस्ट्रिया का अधिकार मान लिया जाता है, और कील के क्षेत्र पे जो दोनों का संयुक्त अधिकार माना जाता है। लेकिन इस क्षेत्र में जो किलेबंदी करने का और जो समुद्र तक नहर खोदने का अधिकार प्रशा को दे दिया जाता है, और इस क्षेत्रों को लेकर जो आगे चलकर इनके मध्य विवाद उत्पन्न होता है, और वही इन दोनों के मध्य जो युद्ध का कारण बनता है। तो ये गेस्टाइन समझौता ही जो आगे जाकर इनके मध्य युद्ध का कारण बनता है। अब जैसा कि हमने देखा कि उस वक्त गेस्टाइन समझौता होने के पश्चात जो बिस्मार्क के द्वारा कहा गया था कि हमने जो दरार को एक बार कागज़ से ढक दिया, यानी कि कहने का मतलब है, एक बार जो युद्ध की संभावना थी उसको हमने समझौते से टाल दिया है। तो ये दोनों पक्षों को पता था, बिस्मार्क की भली भांति जानता था कि आगे चलकर निकट भविष्य में दोनों में युद्ध होना अवश्यंभावी है, और दोनों के द्वारा जो युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी जाती। अब तत्कालीन कारण की बात करते कि भाई मूल कारण कौन सा रहा जिसके कारण इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ, तो ये कील में है, जो कील का क्षेत्र है, ये इन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आता था। इसमें जो दोनों का क्या संयुक्त अधिकार था, प्रशा का भी अधिकार था और ऑस्ट्रिया का भी अधिकार था। इसमें ड्यूक ऑफ ऑगस्टनबर्ग है, यहाँ का शासक है, इसके पक्ष में क्या आंदोलन चल रहा था, इसके पक्ष में आंदोलन चल रहा था। तो इस आंदोलन को जो किसके द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा था, ऑस्ट्रिया के द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा था, इस आंदोलन को सपोर्ट किया जा रहा था। इस बात का विरोध किसके द्वारा किया जाता है, प्रशा के द्वारा किया जाता है, और आपत्ति दर्ज करवाई जाती है प्रशा के द्वारा, बिस्मार्क के द्वारा इसका विरोध किया जाता है। तो ये जो इसी कारण से मतलब मूलतः विवाद की शुरुआत होती है, अगर बात की जाए तो प्रशा के द्वारा विरोध दर्ज करवाया जाता है, और इस विरोध दर्ज करवाकर दोनों पक्ष के द्वारा युद्ध की तैयारियां भी शुरू कर दी जाती है, तो दोनों पक्षों के मध्य युद्ध की संभावना भी हो जाती है। तो इसी दौरान हम देखेंगे दोनों पक्षों के द्वारा
जैसा कि प्रशाग के द्वारा, बिस्मार्क के द्वारा इसको मित्रविहीन करने का प्रयास किया जाता है। मित्रविहीन करने का प्रयास के तहत रूस से मित्रता हासिल कर ली जाती है। अलेक्जेंडर द्वितीय जो इसका निजी मित्र था, रूस का शासक, उसके अलावा नेपोलियन तृतीय जो फ्रांस का शासक है, उसके साथ समझौता कर लिया जाता है। उसे राइन नदी का जो क्षेत्र देने का जो वादा किया जाता है, उसके अलावा जो अन्य क्षेत्र जो बात की जाए, जो बेल्जियम का क्षेत्र है वह देने का वादा किया जाता है। और उसे कहा जाता है कि युद्ध में अगर प्रशा और ऑस्ट्रिया के मध्य युद्ध होता है तो वो क्या रहेगा, तटस्थ रहेगा। उसके अलावा जो इटली के साथ समझौता कर लिया जाता है बिस्मार्क के द्वारा, इटली को क्या वेनेशिया का क्षेत्र देने का जो वादा किया जाता है। और इसी के दौरान हम देखेंगे कि जो अंतिम जो युद्ध होगा फ्रांस और इसके प्रशा के मध्य में, तब वो क्षेत्र की प्राप्ति करने के पश्चात इटली का भी एकीकरण पूर्ण होगा। तो इस तरीके से इसको मित्रविहीन करके तो तैयारियां तो इनके द्वारा पहले ही शुरू कर दी जाए, क्योंकि बिस्मार्क ने खुद कहा था कि हमने जो एक बार पड़ी दरार को क्या कागज़ से ढक दिया, जो ज़्यादा समय तक स्थायी नहीं रह सकती है। अब इन दोनों के मध्य जो विवाद होता है, तो इसको विवाद को सुलझाने के लिए जो नेपोलियन तृतीय फ्रांस का सम्राट है, उसके द्वारा कहा जाता है कि एक सम्मेलन का आयोजन कर लिया जाए और बातचीत के माध्यम से इस विवाद को सुलझा लिया जाएगा। लेकिन इस सम्मेलन के दौरान रूस भी सहमत हो गया था, इंग्लैंड भी सहमत हो गया था, और फ्रांस तो अगुवाई कर ही रहा था, और बिस्मार्क ने भी अपनी सहमति दे दी। लेकिन ऑस्ट्रिया ने ऐसी शर्त रख दी कि जो पूरा होना अवश्यम भाई नहीं है, और अगर वो पूरा हो जाए तो इस सम्मेलन का कोई महत्व नहीं है। तो इस दौरान जो अपने प्रस्ताव को पुनः वापस ले लिया जाता है, किसके द्वारा, नेपोलियन के द्वारा, और इससे इन दोनों के मध्य युद्ध होने की पूर्ण संभावनाएँ हो जाती है। अब उसी दौरान जो बात की जाए, बिस्मार्क ने तो ये कह दिया कि अब तो युद्ध होकर रहेगा, बिस्मार्क तो खुश होता है, बिस्मार्क यही चाह रहा था कि ऑस्ट्रिया से उसका क्या होना चाहिए, युद्ध होना चाहिए, और उसे पता था जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा कौन है, ऑस्ट्रिया है, और इससे युद्ध के माध्यम से पराजित करके ही ऑस्ट्रिया जो जर्मनी के क्षेत्र से निकाला जा सकता है, और जर्मनी के क्षेत्र में इसका हस्तक्षेप कम करने और समाप्त करने के लिए इसको पराजित करने के पश्चात ही निकाला जा सकता है। तो ये जो पूरी तैयारियां इनके द्वारा कर ली जाती है, तो उसी दौरान ऑस्ट्रिया के द्वारा जो जर्मन राज्य थे, छोटे छोटे राज्य, मैंने पहले शुरुआती दौर में बताया कि 300 राज्यों का छोटा छोटा संघ था, तो उसी दौरान एक जर्मन संघ भी बना था, एक डाइट जर्मन, इन संयुक्त राज्यों की जो संयुक्त एक संसद थी जो कार्य करती थी जर्मन राज्यों के लिए। ऑस्ट्रिया के द्वारा, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था, प्रशा का भी हस्तक्षेप था उस जर्मन डाइट में, उनके द्वारा भी अपने प्रतिनिधि नियुक्त किए जाते थे। तो उसके द्वारा, ऑस्ट्रिया के द्वारा जर्मन संघ की जो डाइट है, संसद है, उसको आमंत्रित किया जाता है, उसका सम्मेलन आयोजित किया जाता है, और उसके समक्ष इस समस्या को रखा जाता है, और इस समस्या का समाधान करने के लिए उनको कहा जाता है, और नहीं तो युद्ध की परिस्थितियाँ से अवगत कराया जाता है। तो जर्मन डाइट में हम देखेंगे सारे राज्य नहीं, कुछ एक राज्य तो इनके पक्ष में भी थे, बात की जाए तो ऑस्ट्रिया के पक्ष में भी थे, क्योंकि जर्मन राज्य ज़्यादातर जो ऑस्ट्रिया की अधीनता में शासन कर रहे थे, तो कई शासक अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रिया के शासक के अधीन थे। तो उसी दौरान जर्मन डाइट के द्वारा जो एक प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है, और जिसके तहत एक फैसला उनके द्वारा किया जाता है कि ड्यूक ऑफ ऑगस्टनबर्ग है, जो कील का शासक है, उसको क्या कर दिया जाए, ये जो होलस्टीन की डची है, स्लेसविक की डची है, लॉयनबर्ग की डची है, उसी को सौंप देनी चाहिए। अब इस बात का विरोध किया जाता है, किसके द्वारा, बिस्मार्क के द्वारा, ऐसे कैसे सौंप दी जाए, हम क्यों सौंप दें इसको, तो इसी बात का विरोध किया जाता है। और इसी दौरान सबसे पहले जो क्या किया जाए, प्रशा के द्वारा 6 जून 1866 को होलस्टीन, जिसमें किसका अधिकार था, ऑस्ट्रिया का अधिकार था ना, होलस्टीन किसे मिला था, इसको वियना समझौते के तहत जो ऑगस्टाइन समझौते के पश्चात जो बात की जाए, ये इसी को मिला था। तो इस पे आक्रमण कर दिया जाता है, और इस आक्रमण को मूक दृष्टि से ऑस्ट्रिया देखता है, एक बार उनके द्वारा कुछ नहीं किया जाता और उसकी सेनाएं बिना प्रतिरोध के पीछे हट जाती है, बोले एक बार ठीक है। अब इसको ये वापस जर्मन डाइट में ले जाता है, जर्मन संसद में ले जाता, देखो बोले हम तो, हमारी तरफ से कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की गई और ये उकसावे की कार्रवाई प्रशा की तरफ से की जाती है। तो जर्मन डाइट ने भी इसके विरुद्ध सेना भेजने का निर्णय कर दिया जाता है। तो अब ये इनके बीच में दोनों पक्षों के द्वारा बात की, जर्मन डाइट ने भी सेना भेजने की घोषणा कर दी, और उसके अलावा ऑस्ट्रिया के द्वारा भी प्रशा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाती है। और इन दोनों के मध्य ये युद्ध चलता है, 7 सप्ताह तक ये युद्ध चलता है, इसीलिए ये युद्ध क्या कहलाता है, 7 सप्ताह का युद्ध कहलाता है। क्षेत्रों में बात की जाए
तो अधिकतर कई जर्मनी के राज्यों के द्वारा जो ऑस्ट्रिया का भी साथ दिया जाता है, उन राज्यों को जो ऑस्ट्रिया के प्रशा के द्वारा धीरे धीरे पराजित करके अधिकार कर लिया जाता है। इनके लिए इनके बीच में जो अंतिम लड़ाई होती है वह 3 जुलाई 1866 ईस्वी में शेडोवा नामक क्षेत्र में होती है, स्थान पर होती है, इसीलिए ये शेडोवा का युद्ध कहलाता है। इसमें अंतिम निर्णय पहले तो शुरुआती दौर में दोपहर तक तो यही लग रहा था कि किसकी विजय होगी, ऑस्ट्रिया की विजय होगी, लेकिन अचानक से जो बात की जाए, प्रशा का राजकुमार अतिरिक्त सेना लेकर आता है। कौन? विलियम द्वितीय सेना लेकर आता है और सारा ही पाशा पलट जाता है। और यहाँ पे जो निर्णायक रूप से जो क्या की बात की जाए कि प्रशा के द्वारा ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया जाता है निर्णायक रूप से, और यहाँ ऑस्ट्रिया की पराजय हो जाती है। और वहाँ जो प्रशा का राजकुमार तक यहाँ तक संतुष्ट भी नहीं रहता, तो वो तो ऑस्ट्रिया की राजधानी बात की जाए, ऑस्ट्रिया ने ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पर भी अधिकार करना चाहता, लेकिन बिस्मार्क के द्वारा कहा कि हमें आगे नहीं बढ़ना है। और इसी के तहत उसके द्वारा जो वियना पर अधिकार करना चाहता, लेकिन बिस्मार्क ने कहा युद्ध का निर्णय हो गया, क्योंकि वो ऑस्ट्रिया को जर्मनी से बाहर निकालना चाहता था, न कि जीतना। ये उनका कोई उद्देश्य नहीं था कि ऑस्ट्रिया को पराजित करना, बल्कि वो तो जर्मनी से उसे बाहर निकालना चाहते थे। ऑस्ट्रिया के साथ उदारतापूर्ण संधि करते हुए पुरानी मित्रता को कायम रखने का प्रयास किया। तो इस तरीके से इन दोनों के मध्य यह युद्ध होता है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने जर्मनी के एकीकरण के तहत बात की जाए, जो द्वितीय युद्ध होता है जिसका जर्मनी का एकीकरण 2-3 चरणों के दौरान जो पूर्ण होता है, जिसके तहत द्वितीय युद्ध की हमने आज चर्चा की, जो ऑस्ट्रिया और प्रशा के मध्य होता है। और इस युद्ध में जो निर्णायक रूप से बात की जाए, प्रशा के द्वारा जो ऑस्ट्रिया को क्या कर दिया जाता है, पराजित कर दिया जाता है। ये जो इनके मध्य जो गेस्टाइन समझौता होता है, जिसके तहत इन्होंने पहले डेनमार्क से युद्ध किया था, डेनमार्क से युद्ध करने के पश्चात जिन डचियों पर अधिकार किया था उन्हीं को लेकर विवाद उत्पन्न होता है। और ये इनको पहले भी पता था, बिस्मार्क ने पहले भी कहा था कि हमने एक बार क्या कर दिया है, जो दरार को कागज से ढक दिया है। तो उसके पश्चात उन विवाद में जो इनके मध्य क्या होता है, युद्ध होता है। और इसी युद्ध के दौरान जो निर्णायक रूप से शेडोवर नामक स्थान पे जो प्रशा के द्वारा जो ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया जाता है, बाकी बाकी जो बात की जाए अन्य देशों का भी सहयोग इसके द्वारा लिया जाता है। फ्रांस फ्रांस को अपना मित्र बना लिया प्रशा ने, इटली को अपना मित्र बना लिया, रूस को अपना मित्र मिला लिया। और उसी दौरान ब्रिटेन की संभावना थी ऑस्ट्रिया की सहायता करने की, लेकिन ब्रिटेन भी अपने जो निजी मामलों में उलझा हुआ था, तो उसी घरेलू मामलों में उलझा हुआ था, उसी दौरान ब्रिटेन के द्वारा भी सहायता नहीं की, और ये ऑस्ट्रिया अकेला ही रह जाता है और प्रशा के द्वारा इसे पराजित कर दिया जाता है, और जर्मनी से इसके हस्तक्षेप को समाप्त कर दिया जाता है। और उसके पश्चात जो एक अंतिम लड़ाई हम देखेंगे, अब इसके पश्चात हम कल की क्लास में जानेंगे कि इनके मध्य जो ऑस्ट्रिया और प्रशा के मध्य क्या समझौता होता है, क्या संधि होती है, जिसका उल्लेख हम अगली क्लास में करेंगे। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो, और उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। मैं देख रहा हूँ निरंतर कुछ विद्यार्थी काफ़ी लापरवाही कर रहे हैं, बीए थर्ड ईयर के विद्यार्थी, मूलतः अगर देखा जाए आप तो मैच्योर हो, फिर भी जो नियमित रूप से क्लासें नहीं ले रहे हो, तो मैं देखता हूँ ये गलत बात है। अब जैसा कि लग रहा है कि जो कोविड के जो मामले काफ़ी कम हो रहे हैं कोरोना के, तो हो सकता है निकट भविष्य में जल्दी ही आपका एग्जाम हो जाए, तो आपसे अनुरोध है कि निरंतर अपने अध्ययन को सुचारू रखें। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।